वो ना साजन बेचारा मुझे ऐसा लगता है वो बन गया फैक्ट्री में जो रोबोट होते हैं ना, बस उनको चीजें पकड़ाते जो ऐसे 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 चीजें लगाता रहेगा, बस हाथ ऐसे ऐसे चल रहे, गाड़ी चेंज होती जा रही है, बस बेल्ट पे गाड़ी आ रही है, बेल्ट पे गाड़ी आ रही है, कन्वेयर बेल्ट पे। ये गाड़ी आपने हमारे पिछले ब्लॉग्स में देखी होगी, इसके बॉनेट पे छोटा सा इशू आया था जहाँ पे हमने क्लिप लगाने की कोशिश करी थी अंदर का पीस बिठाने के लिए और दो छोटे से डेंट आ गए थे। कूडोस टू मारुति इस बिल्ड क्वालिटी, बट हमने इस बॉनेट को रीपेंट किया वापस से क्योंकि वो डेंट बनाना पड़ा हमें। बाकी गाड़ी भी हमने अपनी तरफ से पूरी रेडी कर दी है। गणेश और पूरी टीम अभी फाइनल चेकिंग कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर डिलीवरी लेने नहीं आने वाले, ये गाड़ी डिलीवरी देने जाने वाले। इसका वीडियो भी बन रहा है जो कि हमारे मेन चैनल पे आएगा, तो वहां पे भी हमें सब्सक्राइब करेगा अगर आपने नहीं किया है तो, और इसका इन डेप्थ वीडियो आपको वहां देखने को मिलेगा। आज गाड़ी की डिलीवरी करते हैं और देखते हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर होने वाले या आने वाले। क्या हुआ साजन, बिडिंग बहुत परेशान कर रही है ना? ये परेशान नहीं, ये मेरा हाथ लगता है खत्म कर देगा। ये बिडिंग कर्वेचर की वजह से भी टाइट है और उन्होंने जगह भी बहुत कम दी है यहाँ पे, और इसने दो अंदर दो दे दिया, ये एक है। हाँ, और ये के है, वो मुंह है, ऐसा मुंह है बिडिंग का। और ये जो अंदर वाला दे दिया बहुत पतला है ना, और धक्का मारेंगे तो अंदर चला जाता है, फिर अंदर से निकलने में फिर प्रॉब्लम है। चल कर ले, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा काम ही नहीं लूंगा यार, स्कॉर्पियो का ना ये लेंगे ही नहीं, बहुत दिक्कत वाला काम है। पूरा गाड़ी उसकी वजह से पीछे पड़ गया। हाँ, सिर्फ इसकी वजह से और कुछ नहीं। एक बिडिंग की वजह से कितनी परेशानी होती है यार। इन्होंने कैसे बिठाया था विजय भाई ने? यार विजय भाई नमस्ते। स्कॉर्पियो जो आपने डुअल टोन करी थी, आपको उसके क्वार्टर पैनल पे दिक्कत हुआ था वो बिडिंग के पास? वही ना, बहुत दिक्कत हो रही है यार, मैं परेशान हो गया, मेरा लड़का बेचारा 6 घंटे से लगा हुआ है। हाँ ठीक है, वही कर रहा हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। ठीक है, चलेगा। मैं ये बिडिंग के पास से कट करके इसको एज पे बिठाना, प्राइमर लगा के। प्राइमर मारा था? प्राइमर मारा, ये तो अंदर चला गया ना, तो बहुत दिक्कत वाला काम है यार ये। गणेश नेक्स्ट टाइम यार स्कॉर्पियो का डुअल टोन प्रोजेक्ट लेना ही नहीं, नहीं लेना ही नहीं। सीख गए ना एक बार लेके? नहीं, बहुत हेडेक है, तेरा इतना पोर्शन बचा ना यहाँ से वहाँ, कर ले अब, बिठाई लिया अभी इतना तो कर ले फिर, पर ये नहीं लेना यार ये काम, ये वापिस हेडेक। और उसको धार से कट करेंगे तो वहां से खुलने का चांस अलग है, 1-1.5 घंटा लगेगा, तब तक जितना हो रहा है तुम खींचो, फिर मैं आ जाऊंगा। ठीक है, बस बस बढ़िया सर। आपका पोलो है राइट, तो अभी आप फाइनल कर रहे हैं कौन सा कलर करना है? ग्रीन और ब्लू है। अच्छा, हम अभी अपनी ऑक्टाविया जो हमने परचेस करी उस पे ये कलर करने का फाइनल किया है। हाँ सर, मैं यही सोच रहा था सर एक्चुअली। हाँ, लेकिन ये थोड़ा ना थोड़ा ब्राइट है, ज्यादा ब्राइट है। हाँ ओके, पाइथन ग्रीन करके। हाँ 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 ओके, ऐसा कुछ सोच रहे हैं? ऐसा सोच रहा हूँ। अच्छा लगेगा सर? हाँ सर, अच्छा लगेगा। मिरर्स वगैरह भी हमने ब्लैक ले लिए, रूफ ब्लैक ले लिया, बहुत अच्छा लगेगा डुअल टोन में। हाँ, यही सोच रहे थे। देखो कलर ऐसी चीज है जो पहली नजर में अच्छा लग जाए ना, यू शुड गो फॉर दैट। यस सर, क्योंकि कलर इतने ऑप्शन है ना मार्केट में कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एंड में मेरे को क्या कराना चाहिए। थोड़ा सैंपल आप करके दिखाए ना? सैंपल कर सकते हैं, मेरे को बस टिंटर्स चेक करने पड़ेंगे सर एक बार, कि मेरे पास वो फॉर्मुलेशन करके मुझे दिखाए ना, थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा सर। एक काम करना, दुश्मन को पूछ एक बार, पोर्शा का वो कौन सा कलर है वो? हाँ, तो उससे पूछ अगर टिंटर्स हैं तो देख एक बार, सैंपल बनवा,
अगर हो जाता है तो आधे पौने घंटे में सैंपल बनवा के सर को दिखा देते। ये तो पूरे येलो दिख रहे सर एक्चुअली। हाँ। ये सर ये हमने इसलिए फाइनल किया है क्योंकि ये कलर ऐसा है कि आपको रोड पे इस स्पेक्ट्रम की कार्स नहीं मिलेंगी, इसलिए हमने सोचा कि अपने ऑक्टाविया पे कुछ ऐसा अलग सा डिफरेंट सा करें। चलो वही सोच के यही करने का। अच्छा लेकिन क्या हुआ है ये थोड़ा येलो नहीं, मैं समझ रहा हूँ वो, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, ये थोड़ा येलो इस तरफ जाता है, ये नहीं अच्छा लगेंगे सर। एक्चुअली ना तीन चार कलर फाइनल किया था सर। ओके। ब्लाइंड अभी जब आने का था ना। हाँ। मैं इतना मतलब ब्लाइंड हो गया ना। हाँ। खाली अभी व्हाइट करना है आगे कलर कुछ नहीं करना। नहीं ऐसे नहीं, देखो क्या होता है आप गाड़ी बार बार बनाने वाले नहीं है। यस, गाड़ी की लाइफ में आप एक ही बार ही उसको बनाने वाले, तो जो मन करे ना वो बनाना चाहिए। यस सर, वो कंफ्यूज नहीं होना, जो पसंद आए ना, अगर आपको ऐसा कुछ कलर पसंद आ गया पहली नजर में यू शुड फाइनलाइज दैट। मैं सैंपल देख लेता हूँ एक बार, अगर हो जाता है तो मैं सैंपल बनवाता हूँ। और आप हैं अभी थोड़ी देर यहाँ? नहीं सर मैं रुकता हूँ, शाम तक चाहे तो रुकता हूँ। अच्छा नहीं, आधे घंटे में हो जाना चाहिए, वो हो जाता है तो मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, फाइनल करके देन आई विल रिलीज। ठीक है सर, वेरी नाइस। एक और अमेजिंग प्रोजेक्ट पोलो, डिफरेंट सा ग्रीन कलर, आई एम श्योर ग्रीन बहुत सुंदर लगेगा। हमने पहले एक पोलो बनाई थी रैप में, याद है तेरे को? वासाबी ग्रीन, बहुत प्यारी लगी थी वो भी, पेंट में अच्छी फिनिश आएगी बहुत। सर ऐसा टाइप का कलर कुछ सोच रहे हैं, बट पोर्शा वाला, ये तो कावासाकी का, ये तो पोर्शा में सोच रहे हैं, पोर्शा का एक ग्रीन है पाइथन ग्रीन, सैंपल बनवा के देखते हैं अगर टिंटर्स हैं तो। है हर्षल को सब पता है। चल तेरा हो गया शूट, गाड़ी निकालनी है मेरे को, बाहर एक लेना है बस, और रील के लिए लेना है। हाँ तो लो फिर फटाफट फटाफट लो फटाफट। ये वाला कलर है Porsche का, आपको सॉलिड ही चाहिए क्या? हाँ थोड़ा सॉलिड किया तो अच्छा रहेगा सर। गणेश आपको ग्रीन ही करना है वो कंफर्म है? सर थोड़ा कंफ्यूज हो सर, एक्चुअली ब्लू और ग्रीन दोनों शेड में करना है। देखो ब्लू में ना एक ये कलर एक्चुअली बहुत अच्छा है। हाँ सर ये भी सॉलिड है, लैम्बोर्गिनी का है ब्लू ग्लैको। हाँ सर, और ये एक मर्सिडीज का पेट्रोनस रेसिंग टीम आती है। ओके सर, एक्चुअली अभी मेरे भाई ने भेजा, अभी एक्सप्रेस वे पे था वो। ये रैप है, रैप है। और ये सैटिन फिनिश है, अभी इस पे भी सैटिन क्लियर मारेंगे तो ऐसा ही ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखेगा। देखिए फोटो देख के 100% जज करना तो पॉसिबल नहीं है कि कौन सा कलर है, क्योंकि बहुत क्लोज वेरिएशन आते हैं उसमें, और फोटो एडिट किस हिसाब से हुई है या लाइटिंग कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। यही करना है? करेंगे। हाँ करेंगे, आपका भी ओपिनियन लेंगे सर क्या है। नहीं नहीं कलर तो अच्छे हैं सर, यूनिक, मतलब देखो गाड़ी आपकी अलग दिखेगी रोड पे। मेटालिक में क्या होता है थोड़ा शिमर और यूजुअली लाइट कलर होते हैं, सॉलिड ज्यादा डीप मतलब डार्क कलर्स होते हैं। इसमें कैसा थोड़ा कलर वेरिएशन होगा? हाँ वेरिएशन होगा। हाँ अब आप ये देखो, ये भी सॉलिड है, आपको डार्क में जाना है लाइट में जाना है, ये दोनों कंपेयर करके आप देख सकते हो। और एक ये तीसरा ग्रीन ये देख सकते हो, ये सॉलिड में, ये वाला प्रॉपर ग्रीन ग्रीन है, इन दोनों में से फिर आप एक ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ये करना अच्छा लगता है। देखो इंडिविजुअल चॉइस है, आपको थोड़ा स्पोर्टी कार चाहिए तो आपको ये लाइट वाला ज्यादा बेटर लगेगा, आपको थोड़ा सटल गाड़ी चाहिए तो आपको ये वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। यही करेंगे सर। ये करना है पक्का? लॉक कर दो। वीडियो दिखा दो उनको ट्रिप उसका। हाँ दिखा दे। चल ये देखो, ये वाला कलर जो है वो गाड़ी पे किया हुआ है। एक्चुअली यूनिक दोनों हैं, क्योंकि ग्रीन कलर की गाड़ियां रोड पे ज्यादा दिखती नहीं, नहीं है, तो यूनिक दोनों हैं, पर अगर 50 गाड़ी खड़ी है उसके बीच में वो अलग दिखेगी इन दोनों के कंपैरिजन में अगर आप बात करो। पर आपको अगर ये पसंद है तो आप ये जाओ, क्योंकि होता क्या है कभी कभी हम चुनते हैं कोई ऐसा कलर जो शुरू में अलग एकदम लगे, बट देन जो खुद की चॉइस होती है ना, जो अच्छा लगे वही जाना चाहिए, क्योंकि आपने 5-7 साल वो गाड़ी रोज देखनी है, तो आपको जो कलर अच्छा लग रहा है वो कलर के साथ आपको जाना चाहिए। ये जो ओपिनियन है कि बाकी लोग कैसे रिएक्ट करेंगे वो सेकेंडरी होना चाहिए, पहला आपको खुद को पसंद आना चाहिए। ये कर देंगे सर एक्चुअली। यही करना है? यही कर देंगे। मेरे को लग रहा था आपने यही करना है इसलिए मैंने बोला। ठीक है ये वाला करते हैं, थोड़ा ये भड़क कलर दे सकते, ये वाला करते हैं चलेगा। रूफ ब्लैक करना है, स्पॉयलर ब्लैक करना है, मिरर्स ब्लैक करने हैं। ठीक है चलेगा, डन। ठीक है गणेश सर का जॉब कार्ड देख ले फिर, जो जो फाइनल करना है। थैंक यू सो मच, गणेश को बोलता हूँ आपका डिटेल्स फाइनल कर लेगा। यस थैंक यू सर। हाँ ठीक है एक काम कर, और ये
वो टियोमेन ग्रीन हो गया, वर्डे मैंटिस हो गया, वर्डे सेल्वांस हो गया, इन सब का भी तो करना है कलर फाइनल। कब? कल क्यों नहीं किया? टाइम नहीं मिला। एक चीज बोली वो होनी चाहिए, करवा आज सैंपल उसके कलर के बना के। कौन से होते हैं? उसको मालूम है, उसको बोला हुआ है। बड़ी मार रहे है। मेरे से होगी वो। वो आया तभी है ये फिल्म। लेट आती है कभी कभी। ये कट्स हम लोग इसलिए मारते हैं कि इजीली उसको पेनिट्रेट कर पाए। जब एक पैनल बहुत बार पेंट हो जाता है ना, तो पेंट स्ट्रिपी करके उसको उतारना चाहिए और ध्यान बहुत रखना चाहिए कि प्रॉपरली क्लीन हो स्ट्रिपी करने के बाद, क्योंकि अगर क्लीन नहीं हुआ और हमने आगे प्रोसेस शुरू कर दिया तो जो स्ट्रिपी का रेजिड्यू है वो नेक्स्ट लेयर जो हम पेंट की चढ़ाएंगे या प्राइमर की चढ़ाएंगे उसको भी फाड़ सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर स्ट्रिपी यूज हो रही है तो बहुत अच्छे से पैनल धुलना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कहीं भी स्ट्रिपी का रेजिड्यू नहीं होना चाहिए। राघव ये कलर कितना सुंदर है यार। और सब में क्या होता है ना, यूजुअली ये जो नीचे का बॉडी कलर है ऊपर ग्रे दे देते हैं टॉप मॉडल में, इसमें क्योंकि ये ग्रे है शायद ब्लैक दिया है इसे। चलो क्या कर रहे हो? वीडियो ले रहा हूँ। हम अपने टॉप सीक्रेट लोगों के साथ शेयर नहीं करते। ओहो ला 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 ला। मैं कुछ ठंडा पीने जा रहा हूँ और हर्षल से मिल के आऊंगा, शूटिंग कर रहा है ना उधर। आज मैं चिलिंग के मूड में हूँ यार, मैं बिल्कुल काम करने के मूड में नहीं हूँ। पेड़ कितने सुंदर है देख। हाँ पेड़ तो सुंदर ही होते हैं। मेरी नजर से देखो। ला 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 ला। जब घर बनाऊंगा ना अपना, पेड़ रखूंगा ऐसे आम के बड़े बड़े, मतलब उगने में टाइम लगेगा ऑब्वियसली, पर पेड़ होने ही चाहिए यार, पूरी वाइब चेंज हो जाती है। वो ऐसा लग रहा है ना, वो तुम अपने सिपाहियों के लिए राशन लेके जा रहे हो। बोधी वाले सिपाही को तो देख, देख खुशी, देख खुशी चेहरे पे, खुशी देख। ये ले अंकित, आ जा लेके हर्षल। Q7 हमने आउटर बॉडी पेंट की थी, उस पर वीडियो बना रहे हैं। टीम अभी उसका फाइनल शॉट ले रही है और मैं उनका वाटर बॉय दूध पिला रहा हूँ उनको। हेलो सर, आपसे ही मिलने आया था। क्या नाम है आपका? अरफात। ARA या AR? AR FAT। अगर रानू सर बिजी है तो फिर कभी होगी मुलाकात। मैं बोल देता हूँ मिल लेगा। एक सब्सक्राइबर मिलने आए हैं, 2 मिनट मिलना चाहते हैं, अगर नीचे आ सकता है तो आ जा। बढ़िया बढ़िया, हाउ आर यू? दिवाली के टाइम आए थे क्या? हम बंद था वर्कशॉप 4 दिन। हाँ पर हम थे यहाँ पे ऑन एंड ऑफ थे ऐसा, मतलब काम अपना एडिटिंग का काम चालू था तो हम आ रहे थे। किधर से हो आप? मुंबई। ये तब से फॉलो कर रहे हैं जब खराड़ी में पहले आउटलेट था, बहुत पहले से। थैंक यू सो मच, इतनी दूर से आप मिलने को आए। आपको अगर लेना है फोटो ले सकते हैं साथ में। अभी है नहीं। कोई नहीं, मैं ले देता हूँ, आ जाओ सेल्फी ले लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। यार इग्नेश कितनी क्यूट लगती है यार। पेरी पेरी पसंद है ना तुझे? था उधर गाड़ी के नीचे आने वाला था। देखा ना, भगवान ने तेरे को हमारे पास भेजा किसी रीजन से। चलो भाई नमा गंदा चल। एक ऐसे मारा पूरा ग्रो गया वो इधर। हां नई वाली स्कॉर्पियो में बैठे आप? नहीं। आओ दिखाता हूँ। तो तेरे को तो पसंद नहीं आ रही थी, तू बोल रहा है पुरानी नहीं आ रही। सिटिंग भी अच्छी है यार। मेरा बर्थडे आ रहा है तो अभी। बर्थडे चला गया आपका, मम्मी का आ रहा है। हाँ तो मम्मी का मम्मी का दे दो, हम चला लेंगे। अच्छी बनाई है पर गाड़ी। बहुत बढ़िया बनाई। आओ एक और गाड़ी दिखा दो आपको, जीप कंपस। बंद दबा के दबा दो बस। गाड़ी कितनी बड़ी लग रही है एकदम। बड़ी कर दी है पहले से। और स्पेस पीछे उतनी कंफर्टेबल नहीं है पर अच्छी है पीछे भी। स्पेस काफी दिया है। थर्ड रो बेकार है। थर्ड रो एकदम बेकार है। ये वाली है टॉप मॉडल
36 लाख की। इसमें बैठ के देखो, ये थोड़ी स्मूथ लग रही है इंजन इसकी, वो थोड़ी सी रफ लग रही थी, साउंड ज्यादा हो रहा था। बाप रे, ये ऑल ब्लैक इंटीरियर के साथ आती है, इसमें दिया है देख। हाँ वो जीप है, एडजस्टेबल सर है ना, ठीक है ना। इतना स्टीयरिंग देखो उसका मोटा कितना, हाथ रखो स्टीयरिंग पे। महिंद्रा भी तो कर सकता है ना यार, ये सब कुछ अगर स्कॉर्पियो में दे देंगे तो XUV 700 कौन खरीदेगा। वो भी बात ठीक है, बंद कर दो पावर बटन से। कौन सा? लेफ्ट में ऊपर टच स्क्रीन के बाजू में, ये वाला। पापा उधर उधर अंदर, उसके बाजू में पापा, इधर अंदर और अंदर। अरे इधर वो रहा ये। हाँ अबे चश्मा नहीं है यार, मजाक मत उड़ाया करो मेरा। चश्मा नहीं है तो दिखाई थोड़ी देगा मेरे को। सीनियर सिटीजन। हाँ तो है तो सीनियर सिटीजन, 26 साल का हो गया हूँ और क्या है। मैं तेरे से तो यंग लगता हूँ सौरभ। ये XUV 700 है, ये स्कॉर्पियो है, मगर ये अच्छी लग रही है। हाँ मेरे को भी उससे ज्यादा ये अच्छी। हाइट देख ना। हाँ ऑप्शन बहुत हो गए हैं आज के टाइम यार, छोटी कर दी है। पहले क्या होता था, स्कॉर्पियो और XUV के बीच में 3-4 लाख का फर्क था, अभी 1 लाख रुपए, अभी बस उतना ही हो गया है। इसमें भी सब कुछ ऑलमोस्ट डाल दिया है उन्होंने। ये बहुत बिकेगी ये गाड़ी। ये बिकेगी क्या, ये फॉर्च्यूनर का मार्केट ले जाएगी पूरा। नहीं वो तो उसका तो अलग ही मार्केट है, पर आप एक बात सोचो ना, जितने की एक फॉर्च्यूनर है उतने में आपको एक ये और एक छोटी वैगनर आ जाएगी। क्या बात कर रहे हैं, और क्या 55 लाख की है। हाँ तो आप सोचो एक गाड़ी की जगह 2-3 गाड़ी आ रही, पर वो टोयोटा वाली रिलायबिलिटी इन सब में नहीं है। मेरे को अच्छी लगी गाड़ी ये रही पुरानी। हाँ पुरानी वाली मालूम है मेरे को, मगर एक बात है, अभी भी जिसको ये चाहिए तो यही चाहिए। इसमें बैठ के देखो, ट्रक बहुत अनकंफर्टेबल है, लग नहीं रहा गाड़ी में बैठे हैं। टेम्पो ट्रैवलर ना। खैर उस टाइम में तो गाड़ियां यही होती थी तो, और क्या कर सकते, अभी भी लोग इसके लिए पागल हैं। 7-8 लाख की लॉन्च हुई थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इकोस्पोर्ट का पहले कलर क्या था? ऑरेंज। तो उसको कलर तो चेंज कराना ही पड़ेगा। उसके ऑरेंज जो था वो रेड लिखा हुआ था RC में। अच्छा तो ये तो रेड में चल जाएगा, कॉफी कलर। पापा कलर रेड है, ये कॉफी कहाँ से है, ये डार्क है ना ज्यादा। कौन सा रंग है ये? एक्रेलिक है, रेड ही। वैसे अंधेरे में पूरा ब्राउन दिखाई दे। राघव मैंने अभी LLA का वीडियो देखा, उसमें सोलर पैनल्स के बारे में बात किया हुआ है, तो उसमें एक कंपनी के बारे में दिया था जो सोलर पैनल वगैरह इंस्टॉल करती है घरों पे भी और बिजनेसेस में भी। हमने जो कोटेशन लिया था वो तो ऐसा ही रैंडम, मतलब मजाक में लिया था, एक बार सीरियसली उसको बुला के इंस्पेक्शन करवा के दिखा देते हैं। डाल दो डिटेल्स अपनी। हाँ डाल, एटलीस्ट पता चले क्या रेट वेट पड़ेगा। उसमें EMI का ऑप्शन भी है। EMI से अच्छा अपन ये MSME के लोन वगैरह ना ट्राई करें, इसमें सब्सिडी भी है। वही कह रहा हूँ ना, वो आएंगे वो अपने आप बताएंगे क्या है क्या नहीं। तो वही ना, MSME का लोन वगैरह काफी लो इंटरेस्ट पे मिल जाएगा सोलर के लिए। बुला ले उनको, इंक्वायरी डाल दे, आएंगे फिर बात करते हैं। एक बंदे ने कमेंट किया है कमेंट ऑफ द डे, सफारी का वीडियो, मेन वीडियो देख के, टर्निंग टू सी दिस वीडियो आफ्टर वाचिंग द BTS ऑफ द रोलिंग शॉट फ्रॉम द व्लॉग चैनल। हमने व्लॉग चैनल पे पीछे के शूटिंग डाली थी। अर्लियर इट यूज्ड टू बी जस्ट सरीन एंड कामिंग टू वॉच दीज वीडियोस, बट नाउ आफ्टर नोइंग द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज इनटू मेकिंग दीज वीडियोस, देयर इज एन एडेड रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। एग्जैक्टली वही अचीव किया है जो हम करना चाहते थे, दिखाने का सारा पॉइंट ही यही था। नहीं नहीं, मैं पब्लिक में अवेयरनेस तो है कि कितनी मेहनत हो रही है गाड़ियों में, कितना लोग टाइम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोगों को, ये पहले किसी को फील नहीं होता था, पता नहीं चलता था, अभी सबको समझ आ रही है। वो रूम रेडी कर लो भाई। डिजायर वाले कस्टमर खुश हुए गाड़ी देख के? ग्रुप पे मैसेज डाला है ना, मैंने देखा ही नहीं यार। हाँ ये रहा। Dear team, we would really like to thank you all for the effort and quality of work that you have delivered. We are indeed delighted. We really appreciated the fact that a tiny dent was also noticed and fixed, and also the fact that you guys made the effort to drop the car to our doorstep when we could not come due to our busy schedule. We look forward to meeting you again and will definitely be recommending you guys to friends and family. Good luck, Sanjana and Nitin. Thank you so much. It was a pleasure working with you guys, and I'm hopeful ki aage fir hame aapke liye kuch karne ka mauka milega. साढ़े आठ बज रहे हैं और अंदर शूटिंग चल रही है अगले वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक 3rd या 4th ऑफ नवंबर को आएगा हमारा मेन चैनल ब्रोटोमोटिव पे,
और जो लोग व्लॉग्स देख रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम रोज व्लॉग्स डाल सके। इट्स हेक्टिक बट हम कोशिश करें कि अच्छा कंटेंट और डेली कंटेंट डाल सके, तो उस पर भी हमें अच्छे से व्यूज दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अंदर आवाज ना जाए। पर उनका तो शूट हो गया, हो गया। अरे वाह, लड्डू लाना नहीं चाहते उसको, तो तुम ऊपर आने नहीं देते हो। अबे वो कुत्ता लड्डू नहीं खाने वाले लड्डू। क्या है ना, सर की कंप्लेंट थी पिछले चार वीडियो में दिख नहीं रहे थे सर। अच्छा, तो सर ने क्या क्या देखा, यहाँ कुछ तो शूटिंग हो रही है, मैं स्टूडियो देखने आ जाता हूँ। चलो भाई, सबको डिलीवरी नहीं दे पाते, यहाँ प्रॉब्लम हुआ था इसके लिए हमने दी है। अब सब लोग डिलीवरीज मत मांगना प्लीज, गाड़ी लेने आ जाना। Like a fish on land.